बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी। और मैं हूं मोहम्मद यासिर। हमारा आपका साथ बना रहता है सुबह 9 से 11 तक मंडे टू फ्राइडे। और आज भी आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों, विभाग सचिवों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जो कि आज करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखेंगे। इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पहल की अमन को बहाल करने के लिए खित्ते में, और हमेशा से कोशिशें की हैं। और इस सिलसिले में करतारपुर बॉर्डर का जो रास्ता है, जो सिख यात्रियों के लिए एक आसान एक्सेस होगा, उसको खोलने में पहल कर दी है। अब देखना ही है कि भारत इस जो अमन की कोशिश है, इसका जवाब किस तरह देता है। जैसे माजी में होता आया है, क्या उसी तरह होता रहेगा या अमन का जवाब अमन से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अमन का जवाब अमन से दिया जाएगा, या फिर देखना यह है कि भारत का स्टांस इस पे क्या होगा। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर अच्छा इनिशिएटिव है। वह आगे चलें और आपको बताएं कि आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ को मजीद रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, इस वक्त नैब की तहवील में हैं। उनकी सेहत के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी खबरें चलती रही हैं। ब्लड कैंसर के आगे पेशेंट रह चुके हैं, उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी हवाले से डॉक्टर्स की जो टीम है, अब उनकी सेहत के हवाले से ज़्यादा कंसर्न है। दिल का अर्जा भी उन्हें ये बताया जा रहा है कि अब हो चुका है, जो रिपोर्ट्स इस वक्त आई हैं। बिल्कुल जी, दूसरी जानब आपको बताएं कि मौका मिला तो दोबारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ से झप्पी ज़रूर डालूंगा, ऐसा कहना है सिद्धू सिंह जी का। बिल्कुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू एक फॉर्मर क्रिकेटर, इंडिया के अंदर एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। और करतारपुर के हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ से, जब इमरान खान साहब की ओट टेकिंग सेरेमनी थी, शिरकत की, और इस हवाले से उन्होंने बात की। और आर्मी चीफ ने उनको जो है वो बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल भी किया, और उनको उनकी जो राय थी करतारपुर के हवाले से, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काम कितनी तेज़ी से हुआ। तो यकीनन ये एक बड़ा मस्बत पहलू है। और नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल जी, आपको ये भी बताएं कि सार्क कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम को भी पाकिस्तान मदु किया जाएगा, ऐसा कहना है दफ्तर खारजा का। बिल्कुल जी, इस सार्क की कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है, सार्क का एक बड़ा अहम रुकन है। तो वजीर आजम पाकिस्तान को जो है वो मदु किया जाएगा, और यकीनन इसकी शिरकत से खित्ते में जो कोशिशें हैं अमन के हवाले से, उसके बारे में लोगों को बताया भी जाएगा और खित्ते में अपनी पोजीशन भी वाजे की जाएगी। बिल्कुल जी, आगे बढ़े, आपको बताएं कि इक्तसादी राबता कमेटी का कल इजलास हुआ, जिसमें सर्दियों में गैस लोड शेडिंग ना करने का फैसला सामने आया। बिल्कुल, ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़े अरसे के बाद ऐसा फैसला जो है वो किया गया है। और ये जो गैस की लोड शेडिंग है, सर्दियों में बिलखसूस पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना रहता है। तो खुदा का शुक्र है कि हुकूमत ने इसके ऊपर फैसला किया, और अब पंजाब के आवाम कम से कम जो है वो गैस की लोड शेडिंग से अब महरूम जो है, वो ये जो लोड शेडिंग की वजह से तकलीफ का सामना है, ये उन्हें नहीं होता। तो जानब आपको बताएं कॉन्सुलेट हमले से मुतालिक, यानी कि पाक चीन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, जो चाइनीज कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ, उसके बाद अब तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाक चीन ताल्लुकात इस सिलसिले में किसी तौर से मुतासर नहीं होंगे। खुदा का शुक्र है कि चीन हम पर भरोसा करता है और समझता है कि ये जो पाक चीन दोस्ती है, ये दुश्मन मालिक को जो है वो बिल्कुल भी नहीं भा रही। और इसी हवाले से वो कोशिशों में लगे हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर किया जाए जिससे इस दोस्ती को नुकसान हो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि चीन भी इस चीज़ को समझता है और पाकिस्तान की पोजीशन भी इसके ऊपर वाज़ेह है। जी बिल्कुल जी, दूसरी जानब आपको बताएं कि कल कराची में तजावुजात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था, उसमें एक नया स्टेप अप हो रहा था, जिसमें KDA टीम पर हमला किया गया और 4 एहलकार ज़ख्मी हुए। किस इलाके में हो रहा था, क्या ऑपरेशन था, ये भी बताएँगे। बिल्कुल जी, KDA का जो ऑपरेशन है वो अब फैलता जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर ये फैसला किया गया कि जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़ात्मा किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में अब लोगों को भी तावन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आलातलिया के फैसले के ऊपर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जी, दूसरी जानब मुबैना जाली अकाउंट्स की तहकीकात, JIT ने बिलावल जरदारी को सवालनामा भेज दिया है। बिल्कुल जी, क्वेश्चनर भेज दिया गया है, और सईद गनी साहब भी कल इस हवाले से बात कर रहे थे कि इससे पहले माजी में जितने अकाउंट्स जो ट्रेस किए गए हैं, उनके हवाले से तफसीलात भी मंजर आम पर आना ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना किसी खास शख्स के साथ ये इसका ताल्लुक है, ये बात ठीक नहीं है। उसमें पैसे किसने डलवाए, किस तरह ट्रांजेक्शन हुई, इसको भी ज़रूर डिस्क्लोज़ किया जाए। दूसरी जानब आपको बताएं, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को गोश्तवारे देर से जमा कराने पर जुर्माना ना करने का फैसला कर लिया है।
جی خدا کا شکر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ پاکستان میں نوکری کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو تنخواہیں ہیں وہ ٹائم پر نہیں آتی, چاہے کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایک یقیناً بڑی ریلیف جو ہے وہ مل گئی ہے. جانب آپ کو بتائیں, دبئی ٹیسٹ کے حوالے سے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ایک اننگز اور 16 رن سے شکست دے دی. بالکل جی, پاکستان نے بڑی فیمس وکٹری اگینسٹ نیوزی لینڈ حاصل کی ہے, اور پہلا ٹیسٹ جس طرح ہاتھ سے گنوایا تھا اس کے بعد بڑا بھرپور کم بیک کیا ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ صرف ایک شخص کو جاتا ہے, اور وہ ہے یاسر شاہ. اور یاسر شاہ نے ہی یہ پورا, کیونکہ یہ ٹیم گیم ہوتا ہے, لیکن سنگل ہینڈڈلی پورا میچ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں موڑ دیا. تو اس کا پورا کریڈٹ یاسر شاہ کو جاتا ہے. اور ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کر دیں کہ جس طرح سے بیٹسمین پاکستانی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس ٹیسٹ میچ کا, یقین کیجئے نہیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کی فیور میں ٹیسٹ میچ جائے گا, لیکن اگین یاسر شاہ نے جس طرح کی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے اس کی وجہ سے پاکستان یہ ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب. بریلینٹلی ہی پلیڈ یسٹرڈے, اینڈ انڈاؤٹڈلی آپ نے صحیح کہا کہ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس رہی تھی ان کی, اور جس طرح سے انہوں نے جو وکٹس حاصل کیے ہیں, خاص طور پہ جو ریکارڈ نیا قائم کیا ہے, وہ بھی دیدنی ہے, دیکھنے کے لائق تھا کل. اور سب کی اسکرینس پر نگاہ تھی, وہ ٹی وی اسکرین جو بند ہوتے ہیں میچ پاکستانی جب چل رہا ہو, لیکن اتفاق سے کل سب لوگ, جب لوگوں کو پتہ چلا جیسی فیس بک پہ ایک دو لوگوں نے اپڈیٹس دی نیوز میں, تو پھر لوگوں نے رخ کیا اور پھر باقاعدہ دیکھا میچ کو. تو میچ کل کا جی بڑا اعلیٰ, آؤٹ سٹینڈنگ, اور یاسر شاہ کی پرفارمنس کو تو بھائی بہت زبردست, ایکسلنٹ, بالکل ایکسلنٹ پرفارمنس. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں جی, حکومت کے 100 روز کے حوالے سے بھی بات کر ہی رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خبریں جس کو آج ڈسکس کریں گے. آج ایک چیز اور جس کا تذکرہ یہاں ضروری ہے, سوری, وہ ایکسپو کے حوالے سے, کل ایکسپو ایگزیبیشن آئیڈیاز کا بھی آغاز ہوا اور صدر مملکت نے اس کا افتتاح کیا, اور بڑی زبردست افتتاحی تقریب رہی ہے. کل بڑا زبردست اس کا رسپانس اس کو ملا ہے, پوری دنیا سے ڈیلیگیشنز کراچی میں موجود تھے, اور کیونکہ یہ کراچی کا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, اس لیے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. تو دفاعی نمائش کا جو آغاز ہوا اور بڑے بھرپور طریقے سے ہوا, اور خدا کا شکر ہے بڑی بھرپور ارینجمنٹ اس حوالے سے کیے گئے تھے, پاکستان کی تمام ہی بڑی شخصیات اس میں موجود تھیں, جیسے صدر پاکستان, چیف ایگزیکٹو سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس. کل ہم نے باقاعدہ اس پہ بات بھی کی تھی کل پروگرام میں, اور ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے جب اس کا آغاز ہوا تھا, ساتھ ہی ساتھ پرسوں ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کیا تھا اپنا. اور یہ 3 دن تک دفاعی نمائش جاری رہے گی, تو اس پر بھی وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی پروگرام میں کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, اور کیا نئی چیزیں, اور کیا آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے انفارمیشن دینی ہے. خاص طور پر روٹس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ کنسرن ہے کہ کس روٹ سے جانا ہے, کیا جانا ہے. آلریڈی نوٹیفیکیشنس جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, متبادل راستوں کا بتا دیا گیا ہے اور انفارم کر دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ اپڈیٹس چیک کر سکتے ہیں. سارے ہی تمام چینلس پر آلموسٹ جو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو متبادل راستہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر 3 دن کے لیے یہ تھوڑا سا کٹھن مرحلہ ہے, آنا جانا جو ہے, جو جس کو آپ کہتے ہیں سفر جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا شہر کراچی میں اس وقت تو مشکل ہے, لیکن 3 دن کی بات ہے, اس کے بعد سب نارملائز ہو جائے گا انشاءاللہ. چونکہ دوسری جانب اردو عالمی کانفرنس بھی چل رہی ہے, تو 30 نومبر تک یہ دفاعی نمائش جاری رہے گی جی. کل پہلا دن تھا, آج دوسرا روز ہے, اور امید یہی کر رہے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ ایونٹ گزر جائے. بالکل ٹھیک. تو اس کے علاوہ جی بریک پہ تو جائیں گے ہی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آج کے وارڈروب کی بات کریں گے. آج کا بیوٹیفل سا وارڈروب ہمیں اسپانسر کیا ہے کیشیا, ہمارا برانڈ ہے اس وقت آن بورڈ ہے, لگژری ان کی کلیکشن آئی ہوئی ہے جو کہ چل رہی ہے, اور آج بھی اگر آپ ڈریس دیکھیں تو بہت خوبصورت اور بہت کمال کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. جتنا اس پہ کام ہوا ہوا ہے, جتنا اس پہ نظر آ رہا ہے, فیبرک کا استعمال جس طرح کا انہوں نے کیا ہے, ڈیزائنر نے جس مائنڈ سے کریٹیوٹی اپنی اس میں ظاہر کی ہے, دیٹس امیزنگ. میں نے کہا تھا کہ جی کپریز کا اس وقت زمانہ آ گیا ہے ونٹرز میں پاکستان میں, میں نے اس کی پوری لاجک بھی کل بتائی تھی خواتین کے حوالے سے. خاص طور پہ بہت بیوٹیفلی ڈیزائن کیا ہے, بیج کلر ہے اٹس کائنڈ آف, اور براؤن اور کافی کلر تھوڑا سا اگر آپ کہہ لیں, ناٹ ریئلی کافی کلر, لیکن کیپیچونو کا جو کلر ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہ, اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. سب سے اچھی جو ان کی کلیکشن کی بات ہے وہ یہ ہے, ان کے ڈیزائنس کی بات ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہے, کیونکہ خواتین کو بہت اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ جب آپ ویئر کریں
और ऐसा होता है कि जब आपने वेयर किया होता है ड्रेस, अभी वॉश होने भी नहीं जाता फर्स्ट टाइम, और जी वो उसका कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है, कभी कोई चीज़ निकल रही है, कभी कपड़ा नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे अच्छी जो इनकी बात है, ख़ास बात, वो ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कहकशां सिद्दीकी इसकी डिज़ाइनर हैं और डॉलमन मॉल क्लिफ्टन में इनकी आउटलेट है, सो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कहकशां के नाम से इनका ब्रांड पेज है, जिसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं। और सारी कलेक्शन वहाँ पर मौजूद है, लग्जरी कलेक्शन है इनकी ये, जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू सो वेरी मच कहकशां सिद्दीकी एंड कहकशां फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। इसी के साथ एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, मुर्तफ़ा, गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले जी खबरों का आगाज़ हुआ और आपको बताया, और आज सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए दिन है जी, जहां एक तरफ कराची में हमने आपको बताया कि दो इस वक्त बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 11वीं और 10वीं दिफाई नुमाइश इस वक्त जारी है, वहीं दूसरी जानब एक और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी अचीवमेंट कहें या क्या कहें इसको कि खुशाइन बात, ख़ास तौर पे सिख यात्रियों के हवाले से भी जी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वो यही इस हवाले से कि जी आज करतारपुर जो है बॉर्डर, उसका जो है वो संग बुनियाद रखा जा रहा है, और साथ ही साथ बल्कि ना सिर्फ करतारपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए बल्कि इस हवाले से जो पिछले एक हफ्ते से हम सुन रहे थे, जो भी हमें खबरें मिलती रहीं और जो हम आपको अपडेट करते रहे, उस हवाले से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह से कल हमने देखा कि सिद्धू सिंह जी आए और उन्होंने बड़े खुश होकर जो है एक स्टांस जाहिर किया, ये बड़ा खुशाइन नज़र आता है। गवर्नर पंजाब उनके साथ मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे, तो इट्स वेरी गुड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो एक कशीदगी पाई जाती थी हालात की, वो अब कुछ बेहतर होती हुई नज़र आती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हालात में कशीदगी थी जिसका जिम्मेदार भारत रहा, और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से अमन की कोशिश की गई, अमन के जितना प्रोसेसर्स को बहाल करने में पहल की गई, लेकिन उसका मस्बत जवाब नहीं दिया गया, और यही वजह है कि जो भारत में जितनी हुकूमतें बनती और गिरती रहीं वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को इस्तेमाल करती रहीं और जिसके बाद उनको कामयाबी मिलती रही। तो ये एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक, चाहे भारत हो, अफगानिस्तान हो या दीगर ममालिक हों, उनके साथ ताल्लुकात को रवा रखा जाए और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान क्योंकि जितनी अमन की अहमियत को समझता है शायद खित्ते में और दूसरे ममालिक इसको नहीं समझ पा रहा है, तो ये एक बड़ी वजह है। और यही वजह है कि भारत से आए हुए हमेशा लाखों की तादाद में जितने सिख यात्री हैं जो यहाँ पर गुरुद्वारा जो है उनका नानक साहब उस पर तशरीफ़ लाते हैं, उनके लिए हमेशा बड़ी मुश्किलात रहती हैं, जो भारत की जानिब से बहुत, क्योंकि पॉलिसीज़ हैं, बहुत कंडीशंस हैं, पाकिस्तान की जानिब से उनको हमेशा वेलकम किया जाता है। तो ये करतारपुर का जो रास्ता है ये उनको एक फ्री एक्सेस देगा, तो ये एक बड़ी वजह है कि जो भारत के जो सिख लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी है, इसको बड़ा फैसले को सराह रहे हैं। और पाकिस्तान में जैसा हमने अर्ज़ किया था कल भी इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने जैसे ही अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी उसमें इस चीज़ का तस्करा किया था कि पाकिस्तान हमेशा से कोशिश में रहा है कि अमन के जो प्रोसेस है उसको बहाल किया जाए, और अब भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि अमन का जवाब अमन से दिया जाएगा, और अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम दो कदम आपसे जो है वो आगे जाएंगे इस सारे प्रोसेस को बहाल करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और ख़ास तौर पर इसके जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान ख़ान साहब आज करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, इस हवाले से आपको आज अपडेट भी करते रहेंगे लम्हा ब लम्हा। ख़ास तौर पर जो करतारपुर कॉरिडोर के संग बुनियाद की तकरीब है उसके तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। भारत से आए जो आपके जिस तरह से हमने पहले भी बताया था जो सिख यात्री हैं उनके हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट ये कॉरिडोर का संग बुनियाद होगा, और ख़ास तौर पर ये जिस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं,
क्योंकि अभी आपने देखा है कि सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारे जो है वो तहफ़ात तो रहते ही हैं और उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल किए गए हैं इंतजाम। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन असदुल्ला और चनाब रेंजर्स के विंग कमांडर अदील यूसुफ की अगर बात करें तो उन्होंने गुरुद्वारा है करतार साहब में इंतजाम का उसका जायज़ा भी लिया है और सिख यात्रियों में मिठाई भी तकसीम की है। साथ ही साथ करतारपुर कॉरिडोर डिज़ाइन से मुतालिक मालूमाती बोर्ड के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर फेज़ वन में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी जबकि बॉर्डर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स भी तामीर होगा। करतारपुर कॉरिडोर में दरियाए रावी पर 800 मीटर पुल, पार्किंग एरिया और सैलाब से बचाव के लिए जो है वो फील्ड प्रोटेक्शन बंद भी तामीर होगा और साथ ही साथ दूसरे फेज़ में होटल और गुरुद्वारा किरदार साहब की तौसी की जाएगी। तहरीक इंसाफ ये जो ख़ास तौर पे इसकी बात की जा रही है कि जो ये इंतजाम किए जाएंगे और जो सड़क बनाई जाएगी इस हवाले से भी मज़ीद जो है वो आज ब्रीफिंग भी देंगे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो हैं। बिल्कुल जी, ये रास्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है और सड़क का जो तामीर है वो 4.5 किलोमीटर की सड़क जो है वो ये तामीर की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो एक बॉर्डर टर्मिनल भी बनाया जा रहा है और इम्पोर्टेंटली इसमें फ्लड प्रोटेक्शन बंद भी एक बांधा जाएगा क्योंकि यहाँ से जो फ्लड का रास्ता है तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है और इसके अलावा होटल्स भी तामीर हो रहे हैं तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस खत्ते के अंदर जो है वो समझी जा रही है। इसको कदर की निगाह से देखा जा रहा है और हमेशा से पाकिस्तान की जैसा हमने अर्ज़ किया कि कोशिश यही रही है कि दोनों ममालिक को आने जाने में सफ़ी सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाएँ, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा से बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनका खैर मकदम नहीं किया जाता और इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसा वाक़या जब भी भारत में रोनुमा होता है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को जो है वो बिना तहकीक के बिना इन्वेस्टिगेशन के ठहरा दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती रही है और इससे पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुके हैं कि भारत में जितने हुकूमत बनने और गिरने के प्रोसेस रहे हैं उनमें कोशिश यही होती है कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को जो है वो यूज़ किया जाए, लेकिन अब इस कोशिश को सराहे जाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ हलकों में भारत में इस फैसले को बड़ी अहमियत दी जा रही है, कदर की निगाह से देखा जा रहा है और होना भी ये चाहिए। अम की कोशिशों में भारत को अपना किरदार जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा और इसी के साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कल की रही जिसमें जो सब जबसार कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात हो रही थी और जो तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये भी कहना था कि जो भारतीय वज़ीर आज़म है उनको इसमें भी बुलाया जाएगा, साथ ही साथ कश्मीर के इशू के ऊपर भी बात हो रही है कि अब उसको भी रिजॉल्व होना चाहिए और इसके लिए भी मुज़ाकरात जो है ना सिर्फ बातों की हद तक बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो मुज़ाकरात और बहुत मजबूती के साथ और ख़ास तौर पर बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अब सीरियस लेवल के जो है वो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे ताकि कश्मीर का जो मसला है वो भी किसी ना किसी तौर से हल हो सके। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही तस्करा किया क्योंकि इस वक्त मकबूज़ा वादी में जो सूरत हाल है उस पर सबको तशवीश है और पूरी दुनिया को ही इस पर तशवीश है कि जिस तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर का बाजार जो गर्म किया जा रहा है, गुज़िश्ता 3 या 4 दिन में 20 से ज़्यादा लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया, घर घर जो तलाशियों का सिलसिला जारी है, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, ये सारी भी सूरत हाल दुनिया के सामने है। तो इस बारे में भी बात यहाँ पे करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की कोशिश ये रही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा डेड लॉक है वो कश्मीर के हवाले से है उसको रिजॉल्व किया जाए और इसमें भी पाकिस्तान ने अपना किरदार हमेशा से अदा किया है, अपनी पूरी कोशिश पाकिस्तान की रही है कि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन जैसा भी इससे पहले भी बार बार अर्ज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं कि भारत की जानिब से इन तमाम कोशिशों को कभी भी खैर मकदम नहीं किया गया और यही वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से सूरत हाल में आज तक डेड लॉक है। बिल्कुल आपने सही कहा और ये खैर बड़ी खुशाइन बात है, बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर आगे हाथ बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है वो मज़ीद जो रबते हैं वो मुमकिन हो सके सही तौर से, क्योंकि इस कॉरिडोर या इस राहदारी ये जो आपका बन रहा है इसके हवाले से अगर बात की जाए जो इसका संग बुनियाद आज रखा जाएगा और इसके बाद जब ये बना दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से और फिर उसके बाद जो ईज़ होगी लोगों को आने जाने में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगेन जब आप ना सिर्फ इंडिया की नहीं बात करें, कहीं भी अगर आप बाहर ममालिक में जाते हैं तो जो आपके लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना किसी भी तरह से दूसरे ममालिक के लिए ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमतों की बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है इस ज़मन में भी कि आना जाना और जो भी
रवाबित और जो भी रास्ते हैं उनको ईज करना, ये सबसे अच्छा काम है जो कि एक पॉजिटिव मेरे ख्याल से 100 दिन के बाद जो है एक बड़ा बदलिए 100 दिन के अंदर अंदर ही कह लें ये वफाकी हुकूमत की एक बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि लोगों को फैसिलिटेट करे और वो यकीनन कर भी रहे हैं और 100 दिन के अंदर क्योंकि ये काम हो गया तो एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो उसको तसव्वुर किया जा रहा है और यकीनन दोनों ममालिक को इसी तरह के फैसले लेने होंगे ताकि अम जो है वो इस खत्ते में बहाल हो सके और भारत पे इसकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा आयद होती है। पाकिस्तान ने जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमेशा से कोशिश की है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और जितने भी सिख यात्री यहाँ पर आते हैं उनको भरपूर फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। अब भारत की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम करे और अम की तरफ ये जो कोशिश पाकिस्तान ने की है इसका मस्बत जवाब दे। बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों जाने मजीद खबरों की भी बात करते हैं जहाँ हमने कराची के हवाले से भी आपको अपडेट रखा और किरतारपुरादारी के हवाले से भी अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद खबरों की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं सियासत पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैसे आपको शुरू में बताया कि जीआईटी का नोटिस जीआईटी का कोई नोटिस नहीं मिला तो भांगेंगे नहीं सामना करेंगे ऐसा कहना है जी सईद गनी का जो कि इस वक्त सूबाई वजीर हैं लोकल गवर्नमेंट के बल्दियात के। वैसे तजावुजात के हवाले से कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा था अपनी पार्टी फेवर में बहुत स्टेटमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल भी हमने इस बारे में बात की कि उनका इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया बल्कि मुर्तजा वहाब साहब का कल इस हवाले से स्टेटमेंट आया। उन्होंने तो यकीनन निशानदेही की कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको फैसिलिटेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अगेन जैसा भी आपने कहा कि वजीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं इस हवाले से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया और कल जब वो बात कर रहे थे तो बात हो रही थी जाली अकाउंट्स के हवाले से जो केस है और साथ ही बिलावल भुट्टो साहब को जो क्वेश्चन सर्व किया गया है इस हवाले से उन्होंने कल अपना बयान दिया। बिल्कुल जी और साथ ही साथ सईद गनी साहब का कहना था कि एफआईए ने अब तक ये पता नहीं लगाया कि फालूदे वाले के अकाउंट में किसकी रकम थी अकाउंट्स में कैसे पैसे किसके थे तो ये बताएं पैसों की तफसीलात ना बताना एफआईए की नाअहली है। सारा बार एफआईए पर डाल दिया जितना गुस्सा था कल एफआईए पर निकालते रहे साथ ही साथ कहते रहे कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से काम कर रही है। पीपल्स पार्टी को 20 साल से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है किसी ने जुर्म किया है तो कानून के तहत सजा दें हमने कभी मना नहीं किया। बिलावल भुट्टो से मुतालिक एक सवाल के जवाब में सईद गनी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो को कल तक जीआईटी की जानब से कोई नोटिस नहीं मिला पीपल्स पार्टी चेयरमैन को तलबी का नोटिस मिलेगा तो वो इसका सामना करेंगे भागेंगे नहीं। तजावुजात के नाम पर स्कूलों को मिसमार करने से मुतालिक सईद गनी का मजीद कहना था कि शहर के रिहायशी इलाकों में कानून के मुताबिक स्कूल चलाने की इजाज़त है जो कुछ हुआ वो गलतफहमी भी हो सकती है। बिल्कुल जी अब एक बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें फिर बहुत सारे स्कूल्स भी आ गए हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे स्कूल्स रिहायशी इलाकों में खोल दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों की जो एक्टिविटीज़ थी जो प्राइवेसीज थी बुरी तरह मुतासर हुई लेकिन उस वक्त कोई नोटिस नहीं लिया गया और यही महकमे सारे जो इस वक्त मौजूद हैं जो हरकत में आए यही लोग उनको फैसिलिटेट भी कर रहे थे तो ये एक बड़ा अलमिया है कि अब स्कूल्स जैसे वैसे तो स्कूल्स की बड़ी कमी रही सरकारी स्कूल क्योंकि ना होने के बराबर हैं और जो हैं वो सबके सामने हैं। प्राइवेट स्कूलों ने जब उनकी जगह ली है तो उसके बाद अब बड़े इसमें बड़ी तादाद बच्चों की इसमें ज़ेर तालीम है और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो अभी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि अगर ये स्कूल्स ख़त्म किए जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इम्तिहानात भी करीब हैं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है तो ये तो पहले से ही तयशुदा है कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी कि वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कायम किए जाते उस वक्त ही इनको पहले ही नोटिस जो है वो कर देना चाहिए था भेज देना चाहिए थे और उस पर एक्शन लेना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों हुकूमतें तो सो रही हैं ना पिछले 10-15 सालों से कराची के अंदर और सूबे के अंदर और अब बात कर रहे हैं। बहरहाल बात कर रहे थे एफआईए की एफआईए से बात करते करते पीपल्स पार्टी और फिर ये और फिर क्लेम भी कर डाला कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड है और कई सालों से काम कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पैनामा का केस स्टार्ट होने से पहले नून लीग वाले बिगड़ते थे और उसी के नतीजे में फिर वो स्टेटमेंट्स की बिना पर ही अंदर सारे जब गए हैं तो पता चला है कि कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया था तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दूसरी जगह गया था। अब ये भी जो इनकी
पार्टी में बुखलाहट है एक, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इन्हीं स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करें और फिर मसला हो आगे। हमें याद है ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही हवाला दिया कि यही सूरत हाल कमोबेश हुआ करती थी जब पैनामा का केस स्टार्ट हुआ था। तो बहरहाल इस वक्त बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, इसी तरह के दावे किए गए थे और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें जो भी नाम आ रहे हैं ये भी पता चलना चाहिए लोगों को कि किस तरह ट्रांजैक्शन हुई हैं, और अगर किसी फालूदे वाले के नाम पे, किसी रेड़ी बांध के नाम पर अगर अरबों रुपए निकल रहे हैं तो ये किस तरह मुमकिन हुआ, और ये भी बताइए कि किस तरह हुआ, कौन से बैंक्स के ज़रिए हुआ, कहाँ के अकाउंट्स हैं और क्या क्या सारी प्रोसीडिंग रही हैं, ये भी आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। बिल्कुल लाना ज़रूरी है। जिस तरह एक ड्राइवर के पास 650 बिलियन रुपए जो है वो निकले हैं, इसी तरह से किसके पास पैसे निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। वैसे ड्राइवर्स आजकल इतने अमीर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल वाकई, और ये बड़ी गैरमामूली बात है कि ड्राइवर्स के नाम पर, खानसामा के नाम पर, ये मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसी तरह काम होते रहे और बड़े बड़े आज जो बिज़नेस जाइंट्स बने हुए हैं, स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े नाम या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह के केसेस जो हैं वो रहे हैं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अक्रॉस द बोर्ड हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन किस किस तरह से जो है वो काम दिखाया है और क्या क्या यहाँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा ना कि आजकल ड्राइवर्स और खानसामा के पास इतना पैसा है जितना पैसा है काम अच्छे स्टेटस वाले बंदे के पास नहीं है, तो फिर और उससे वो बिल्कुल बेखबर है, उसको पता भी नहीं है कि उसके अकाउंट में है। माय गॉड, तो मेरे ख्याल से तो लोग जो है वो सारा काम धंधा छोड़ के जो है वो ड्राइवरी शुरू करेंगे, ड्राइवर की नौकरी तलाश करेंगे या खानसामा की नौकरी तलाश करेंगे, क्योंकि उसमें वो कितने अमीर हो रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। माय गॉड, बिल्कुल आपने सही कहा कि चलें ये देखना होगा, और अभी इन्वेस्टिगेशन की जैसे बात हो रही है, फिर बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। कुछ सियासी पार्टियों का ये दावा है कि जितने भी केसेस बने हैं ये सियासी नौइयत के हैं और इसमें उनको सियासी निशाना जो है वो बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो बहरहाल इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करें। ये तो हमारा आपको मुखलसाना और दोस्ताना मशवरा है, क्योंकि अगर आपके स्टेटमेंट्स बाद में JIT ने चेक किए, क्रॉस चेक किया, तो फिर उसके बाद आप पे भी वो बली आ सकती है जो कि ख़ास तौर पर जो है वो आई है नून लीग के हवाले से भी। जी तो ये सारी चीज़ें हैं जी, और इस वक्त जो है वो चल रहे हैं जो हालात तमाम अपोजिशन जमातों के ऊपर, उसको देख के तो बस कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, देखना ये है कि किस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो और चलेंगी और क्या होगा। वेल, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें जी, उस पर बात करते हैं। शेख रशीद साहब ने कल बड़ा दावा किया, उनका मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से NRO मांगा है। चलें, ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ वुज़रा जो है मुख्तलिफ औक़ात में बयानात देते रहे हैं। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं और वो ये बात फरमा रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने सॉरी शहबाज़ शरीफ साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो है वो NRO मांगा है। अब ये दावा, इसकी क्या बुनियाद है, क्यों किया गया? इससे पहले बारह ये पूछा जाता रहा कि कौन सा वो शख्स है जो NRO मांग रहा है, उसका नाम आप ज़रूर मंजर आम पर लेकर आएँ, लेकिन वो बात नहीं आ सकी। बहरहाल अब शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि शहबाज़ शरीफ साहब ने NRO मांगा है, तो अब शहबाज़ शरीफ साहब से ये पूछना होगा कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, वरना इससे पहले तमाम ही लोग इनकार करते नज़र आए, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के लोग हों, तमाम ही लोग इस चीज़ से इनकारी नज़र आए। अब देखना ये होगा कि शेख रशीद साहब की बात किस हद तक दुरुस्त है और क्या वाकई ही NRO मांगा जा रहा है और क्यों मांगा जा रहा है, ये भी ज़रूर इस बारे में पूछने की कोशिश करेंगे और जानना भी सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ कि वो कभी NRO नहीं देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि 12 नवंबर को भी उन्होंने जो है इस हवाले से जो है वो अगर आपको याद हो कि दावा किया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत से NRO मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी जेल जाने की तैयारी कर ली है क्योंकि उन्हें वहाँ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह के दावे जो है वो शेख रशीद साहब करते रहे हैं,
और शेख रशीद साहब एक मरतबा फिर जी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दावे कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने जिस तरह की बात की है, मेरे ख्याल से ये बड़े इम्पोर्टेंट है अब, क्योंकि अभी तक तो हम पूछते ही जा रहे थे हुकूमत से कि बता दें कि किसने NRO मांगा है और कौन मांग रहा है, और अब जो है वो फाइनली नाम सामने आ गया है। अच्छा, ये भी उन्होंने बता दी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल जाने की तैयारी कर ली है। बहरहाल ये भी बड़ी गैर मामूली बात है कि पेशगोईयाँ हो रही हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जेल जाने वाले हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ऑलरेडी जेल काट चुके हैं, बड़े तवील अरसे उन्होंने जेल में गुजारे, और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जो केसेस बनाए गए थे उस ज़माने में वो भी सियासी नौीयत के थे, और शेख रशीद साहब उस वक्त जिस जमात का हिस्सा थे उस जमात ने वो केसेस बनाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ नहीं निकल सका। तो ये जेल जाने की बात जैसे इससे पहले हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि जेल जाने से घबराते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ अब वक्त क्योंकि बहुत तब्दील हो चुका है, ये बात अब सबके सामने है, आया होनी चाहिए कि अगर ये केसेस बने हैं तो उनकी नौीयत क्या है, वाकई अगर इसमें करप्शन का आंसर शामिल है तो उसको सामने लाया जाए, ठोस शवाहिद और सबूत के साथ सामने लाया जाए। इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस में और बड़े संगीन नौीयत के केसेस में नाम आते रहे हैं अपोजिशन की जमातों के, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत थे ना शवाहिद थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई। लेकिन अब जैसा हमने अर्ज़ किया कि वक्त तब्दील हो चुका है, तो ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के बयान देने से जो है वो मसला हल नहीं होता। अपोजिशन के ऊपर तनकीद करना कि NRO मांग रहे हैं और ये इस तरह के उनके खिलाफ कोई सबूत हैं, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इसके खिलाफ कोई अगर चीज़ आपके पास कोई मटेरियल है तो वो भी आवाम के सामने ले आए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस बेसिस के ऊपर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को या फलाना शख्स को जो वो जेल होने वाली है, तो ज़रूर इसकी भी बिल्कुल। और दूसरी बात यही कल हो रही थी कि अपोजिशन का यही कहना है कि एक एक मिनिस्टर को कैसे पता है इनके कि जी कौन जेल जाने वाला है और कौन मांग रहा है NRO या क्या हो रहा है। ये तो वज़ीर आज़म साहब भी खुदा के बार बार कहते हैं ये तो NAB का काम होना चाहिए या फिर तहकीकाती इदारों का काम होना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को बताएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं जिस तरह से कि एक के बाद एक मिनिस्टर आता है और वो इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग करता है या इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि हुकूमती अरकान को हुकूमती वज़राओं को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जी कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सबके लिए हैरानी की बात है, और इस हवाले से हम पहले भी ये सवाल कर चुके हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ सवाल करना है। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में सवाल किया मुतअद्दिद बार, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त यहाँ पे मौजूद होते थे, उनसे पूछते थे कि क्या वजह है, किन बुनियादों पर, तो वो ये कहते थे कि जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं इससे बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि कोई भी शख्स नहीं बचेगा, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर यकीनन बहुत सारे लोग फिर जेल में होंगे, बल्कि लगता है ऐसा है कि शायद ही अपोजिशन में कोई शख्स बचे जो जेल में ना हो। और कल एक लिस्ट दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी, आपने देखा था कल खेलदास साहब जो बता रहे थे उन्होंने भी एक नाम दिए थे सबके, और उससे भी अगर करना है आपने क्रॉस द बोर्ड एहतसाब तो मेरे ख्याल से उस लिस्ट पे भी थोड़ी सी नज़र सानी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ऑपोजिशन सवाल कर रही है कि अलीमा खान साहब, अलीम खान साहिबा जो हैं, अलीमा खान और इसके अलावा अलीम साहब जो हैं और बहुत सारे दीगर नाम हैं जो NAB के जिनके खिलाफ केसेस हैं, ज़ुल्फी बुखारी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो ये अपोजिशन का इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है, उनका मुतालबा है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सियासी मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये वो ओपिनियन है जो अपोजिशन का आपके सामने रख रहे हैं, और जिस तरह की इस वक्त केसेस चल रहे हैं, जैसे अभी वफाकी वज़ीर रेलवे साहब फरमा रहे थे कि कोई शख्स जो है वो जेल जाने वाला है, तो सवाल यही है कि अगर कोई जेल जा रहा है तो उसकी क्या नौीयत है, क्या सबूत आपके पास हैं, क्या प्रोसीडिंग, क्योंकि अभी तो ये अदालती मामलात हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। बिल्कुल अभी तो क्वेश्चनर सर्व किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी तो डिस्क्लोज होना बाकी हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर फर्दर तो पता चलेगा, लेकिन पहले से प्रेडिक्ट करने की जो उनकी आदत है वो इस दफ़ा भी उन्होंने जो है वो अपनाए रखी है। मुझे लगता है कि पहले तो अपोजिशन के स्टांस में उनकी प्रेडिक्शंस होती थी, एक मंजूर वसान साहब और एक शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी प्रोडक्शंस के हवाले से पॉपुलर हैं, लेकिन शेख रशीद साहब की वही प्रोडक्शन और मंसूर हसान साहब की भी प्रोडक्शंस का जो सिलसिला है वो अभी तक रुका नहीं है और वो स्टिल चल रहा है। कुछ दिन पहले मंसूर हसान साहब ने भी प्रोडक्ट किया, और अब जो है अगर हम देखें जिस तरह से शेख रशीद साहब प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्शन का नतीजा क्या निकलेगा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, ख़ासतौर पर चूँकि शेख रशीद साहब बार बार कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, एक मुझे उनका जुमला याद आ गया जब वो
जो है वो हुकूमत में नहीं थे पिछले टेन्योर में, और वो बार 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 ये कहते रहते थे और वो इंतज़ार में ही रहे थे कि हम कुर्बानी के कब होनी है, पर आखिरकार कुर्बानी करा के ही उन्होंने दम लिया। बहरहाल जी, वाकई आपने सही कहा कि कुर्बानी करवा के ही उन्होंने दम लिया। और ये कौन सी कुर्बानियों की बात करते थे, तो बहरहाल ये सबके लिए सबके सामने ही है। यकीनन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो तमाम खबरों से आगाह हैं, वाकिफ रहते हैं, वो समझते हैं कि जिस तरह की बातें होती हैं हमारे यहाँ, एक तो इस तरह के बयान बड़े दिए जाते हैं, बहरहाल कितनी सच्चाई होती है, कितनी सदाकत होती है, ये भी सबको मालूम है, क्योंकि लोग ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्वर हैं, तमाम चीज़ों को समझते भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पास्ट में जो जिसका रिकॉर्ड रहा है वो जानते भी हैं। तो बहरहाल रेलवे की कारकर्दगी के हवाले से अब ज़रूर बात करेंगे, कोशिशें हो रही हैं, यकीनन बेहतरी की गुंजाइश इसमें मौजूद है, और जो इसमें डिलीवर करेगा, जैसे हम आपको याद होगा कि आखिरी जो टेन्योर था गवर्नमेंट का मुस्लिम लीग नून का, उसमें जो रेलवे की परफॉर्मेंस थी खासतौर पर इस हवाले से हमने बात की, और अच्छे काम को सराहे जाने की ज़रूरत है, बुरे काम को यकीनन तनकीद का निशाना बनाएं, उसको क्रिटिसाइज़ करें, ये अपोजिशन का भी काम होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम जो होंगे चाहे वो इस हुकूमत में हो किसी भी हुकूमत में हो, उनको ज़रूर सराहेंगे। बिल्कुल। और अभी रेलवे के हवाले से जो तजावुजात का खात्मा है, जो नए ट्रैक्स की बहाली है, ये वो तमाम चीज़ें हैं, अगर ये मटीरियलाइज होंगी तो यकीनन शेख रशीद साहब की तारीफ होगी और हम भी ज़रूर बढ़ चढ़ कर उस तारीफ में अपना हिस्सा। एग्जैक्टली, जैसे कि हमने ख्वाजा साद रफीक साहब की हमेशा तारीफ की कि रेलवे के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लास्ट हुकूमत में, और स्टिल शेख साहब लेकिन उसके दावे तो कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा ये देखना है, क्योंकि सिर्फ ये कहने से लाखों खरोड़ों अरबों खरबों ये नहीं, फैक्ट्स और फिगर्स दीजिए आप हर लिहाज से, क्योंकि अब तक जो मामला चल रहे हैं वो उसे वैसे ही मफरूजों पर चल रहे हैं, कोई नंबर नहीं दिए जा रहे, डिजिट्स की बात नहीं हो रही। नून लीग आज भी आके डिजिट्स पे बात करी है कि इतने डिजिट्स पे छोड़ा था, इतने डिजिट्स पे ये हुआ था, आए और डिजिट्स के ऊपर बात करें, जो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है हर लिहाज से उसके ऊपर बात करें। लेकिन हम तो देख रहे हैं अभी जो सामने खबर मेरे रखी हुई है कि अभी तक जो है अगर बात कर ली जाए कमेटीज बनाने की खास तौर पे, तो जो है वो अभी तक कायमा कमेटियों की तश्कील में भी जो है वो कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, वो भी ताखीर का शिकार है, और 100 दिन में जो है अभी तक कायमा कमेटियां भी नहीं बनाई गई हैं। बिल्कुल, ये जो डिले है ये बड़ा अनरियलिस्टिक, बड़ा गैर मामूली है जो कायमा कमेटियों की जो फॉर्मेशन का मसला है, क्योंकि ये जब बनेंगी तो अपना काम स्टार्ट करेंगी, 100 दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें की गई हैं, अच्छी बात है, इसको सराहा जाना ज़रूरी है, बहुत अच्छे अच्छे भी काम हुए हैं इसमें, लेकिन ये जो कायमा कमेटियाँ हैं जब ये फॉर्म होंगी तो अपना काम स्टार्ट करेंगी, पार्लियामेंटेरियन इशूज़ जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, मसाइल के हल के लिए कुछ काम होंगे, लेकिन अभी तक ये कमेटीज़ जो हैं वो फॉर्म नहीं हो रही, अब सबके लिए एक मसला है। अपोजिशन भी इसमें गैर संजीदा नज़र आ रही है, होना तो ये चाहिए इस हवाले से शोर शराबा होता, लेकिन शोर शराबा जो हो रहा है वो अपने मसाइल के हवाले से हो रहा है कि हमें पकड़ा जा रहा है, हमें फलाना सहूलत जो है मैसर नहीं है, तो इसके ऊपर अपोजिशन भी तो अपना किरदार अदा करे कि अगर ये कायमा कमेटियाँ नहीं बन रही इसके ऊपर कोई एक्शन ले, इसके ऊपर शोर शराबा करे, बजाय इसके कि अपने मसाइल के लिए और अपने जो केसेस हैं उनके खिलाफ बातें करें, वो जितने भी अभी पास्ट या प्रीवियस सेशन हुए हैं रिसेंट पास्ट में सब में अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं इन कायमा कमेटीज़ के हवाले से और दीगर मामलों के हवाले से, अभी तक कोई यकीनन हुई होगी फ्लोर के ऊपर बात, लेकिन ऐसा आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। खुदारा जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं इसको संजीदगी से मांगने को लें। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सा संजीदगी से लेना भी चाहिए, और 100 दिन तो हो गए मुकम्मल, लेकिन अभी तक जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर बात करें तो उसकी चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को नहीं देना चाह रही हुकूमत, और दूसरी जानब कायमा कमेटियों की तश्कील में भी जो है वो खातर खात जो है दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही, उसमें भी देर हो रही है, तो ये नुकसान तो आखिरकार अगर बात की जाए तो हुकूमत को तो हो ही रहा है, मगर ये कि अपोजिशन जो है वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा हो रहा है इस नतीजे में, क्योंकि अपोजिशन को मेरे ख्याल से अपोजिशन का किरदार करना भी नहीं पड़ा है, और ऑलरेडी हुकूमत खुद ही छक्का लगाती है जो मैंने जिनका था और कैच पकड़ती है, ऐसी वाली पोजीशन में नज़र आती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैनशिप का मामला है ये अभी तक रिसॉल्व नहीं हो रहा, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो। इसके अलावा और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स हैं जिनको आगे लेकर बढ़ना इस वक्त की ज़रूरत है, और जितनी ताखीर इसमें होगी उतना ही मामला हाथ से निकलता जाएगा और इसका बराए रास्त नुकसान जो है वो हुकूमत को होगा, तो हुकूमत अब इस चीज़ को रियलाइज़ करे, ख़ासतौर पे स्पीकर साहब जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अब फ़ौरन से इसके ऊपर एक्शन लें और ये कायमा कमेटियों के हवाले से जो मामला जो ज़ेर-ए-इल्तवा है इसको रिजॉल्व करवाएँ।
बिल्कुल आपने सही कहा, रिजॉल्व करने की भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उस हवाले से भी अब मेरे ख्याल से डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, और जो एक खींचातानी की सिचुएशन है या हुकूमत की तरफ से जो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड है उसको अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़कर जो है बड़ा दिल करें और अपोजिशन को इस चीज़ को हैंड ओवर करें कि वो खुद डिसाइड करें कि उनको चेयरमैनशिप जो है वो किसको देनी है, क्योंकि अपोजिशन ही बेटर डिसाइड कर सकती है कि इस कमेटी के हवाले से क्या होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आप कैसे कर सकते हैं अनटिलेस आप खुद मौजूद हैं हुकूमत में, उसके ऊपर क्रॉस चेक कैसे होगा, समझ से बिल्कुल बालातर है। अगर यही सिचुएशन मेरे ख्याल से अगर पिछले उसमें टेन्योर में हो रही होती तो इन्होंने तो एक नया धरना लगा लेना था। बिल्कुल सही है, और ये वाकई एक बात मज़ाक खेज है। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब क्योंकि क्वालिफाई करते हैं टेक्निकली, और उनको ही लगाए जाने का प्रॉब्लम है, और डेडलॉक इस बात पर है कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो माजी में जितने प्रोजेक्ट्स जो लगाए गए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे। खैर ये बात भी समझ में आने वाली है कि कोई शख्स अपने खिलाफ क्यों केसेस खुलवाएगा या अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों किसी इंक्वायरी पे जाएगा, और जिन इंक्वायरीज़ की वजह से पहले ही मुश्किल का सामना है तो फर्दर उसको कैसे टेकअप कर सकता है, ये एक बड़ा डेडलॉक इसके ऊपर बन चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा, और साथ ही साथ ना सिर्फ इस वजह से भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि 3 महीने का टेन्योर गुजर चुका है, 3 महीने से ज़्यादा का, 3 महीने 10 दिन हो चुके हैं और हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अगर इन 100 दिनों के ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं होती या जो लेजिस्लेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई काम नहीं होता तो फिर आवाम का जो एक भरोसा है वो और मज़ीद शटर होता हुआ नज़र आएगा हुकूमत के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा कि आवाम का जो भरोसा है वो अब जो थोड़ा सा उसको नुकसान पहुँचेगा, और यकीनन हुकूमत को ये चीज़ अब समझने की ज़रूरत है, जितने भी अफेयर्स हैं पार्लियामेंटेरियन इश्यूज हैं उनको अब चलाने के लिए जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाए ताकि सिस्टम आगे बढ़े और फिर आपको फैसले लेने में भी आसानी हो। तो बहरहाल ये हुकूमत की एक भारी जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने सही कहा भारी जिम्मेदारी है, और हुकूमत को चाहिए कि वो किसी भी तरह से इस मामले पर जो है वो सीरियसली अब काम करे, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त बहुत सारे MNAs हैं जो हुकूमत से होकर आए हैं, ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में और नेशनल असेंबली के मेम्बरान हैं, ख़ासतौर पर सेनेट में भी अगर बात करें, पंजाब में भी हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत की पार्टी जो है उसी की है, तो अगर ये सारी चीज़ें भारी जिम्मेदारी के साथ नहीं उठाई जाएंगी जिस तरह से मिली हैं अचीव की हैं तो उसके साथ साथ फिर ये प्रॉपरली आगे आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत प्रॉपर अपनी जो डायरेक्शन है वो सेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कल आरिफ अलवी साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ख़िताब कर रहे थे जब, तो कल उनका कहना था कि 100 दिनों में कोई हमने अचीवमेंट ऐसी नहीं करनी थी कि पूरा नक्शा बदल देना था, सिमत का तयन कर लेना था, तो सवाल तो ये है कि सिमत का तयन भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया है क्या नहीं किया, ये 12 आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन किस सिमत के जाएंगे क्या करेंगे ये जो डायरेक्शन की बात है वही तो रो रहा है मीडिया भी पूरे 100 दिन से कि डायरेक्शन तो बता दें कि एटलीस्ट की क्या है। बिल्कुल आपने डायरेक्शन वाली बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि डायरेक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रही, गो के कोशिश भरपूर की जा रही है, इस बात से इनकार नहीं है कि भरपूर कोशिशें हैं कि मामलात को ठीक किया जाए, लेकिन मामलात को ठीक करने के लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, जैसे कायमा कमेटियों के हवाले से भी बात हो रही थी, ये कमेटीज़ को फॉर्म करना ज़रूरी है ताकि सिस्टम आगे बढ़े और ताकि डायरेक्शन खुद ब खुद जो है वो सेट होना शुरू हो, तो ये ग्रेजुअली होगा, लेकिन अब इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताखीर हो चुकी है, बड़ी गैरमामूली इसमें डिले हो चुका है, उसको फौरन से टेकअप करने की ज़रूरत है, खुदा इन अफेयर्स को समझें ताकि आपको फैसले लेने में आसानी हो और जितने भी अफेयर्स हैं आप इसको आगे लेके जा सकें, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के तहत ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है इस वक्त, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें थ्रू पार्लियामेंट चलाई जाती हैं और पार्लियामेंट के ज़रिए ही कंट्रोल की जाती हैं, तो पार्लियामेंट को जब तक स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, ऑर्डर में नहीं किया जाएगा, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, पार्लियामेंट को जब तक ऑर्गेनाइज और ऑर्डर में नहीं किया जाएगा मामला नहीं चल सकेंगे, बड़े बीमारी मामला हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन का क्या तरीक़ेकार है, पार्लियामेंट कैसे चलानी है, क्या आर्टिकल्स हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें भी अभी इस वक्त लर्न करने की ज़रूरत है, बहुत सारे बल्कि इनफैक्ट 80% लोग जो हैं वो आपकी टीम में नए हैं, उनको चाहिए कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें समझें, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब खुद भी कर रहे होते हैं प्रोग्राम तो हमें समझ नहीं आ रहा था, जिस तरह के जवाब आ रहे होते हैं वो हमने पहले कभी नहीं सुने होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के जवाब कभी भी नहीं सुने होते। बहरहाल जी कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, सुजुकी मोटर्स ने पाकिस्तान में $45 करोड़ की सरमायाकारी का फैसला किया है, जबकि कोका कोला कंपनी मुल्क में $20 करोड़ की सरमायाकारी करेगी।
سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے سوزوکی موٹرز کارپوریشن کے ایک وفد نے منگل کو وزیراعظم سیکرٹریٹ میں ملاقات کی۔ وزیراعظم سے ملاقات کروانے والے وفد میں سوزوکی کے گلوبل چیئرمین اسیمیو سوزوکی، کینجی ساتو، ماسوفومی ہرانو اور شی جیواتا نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وہ موجود تھے۔ سوزوکی موٹرز کارپوریشن کے وفد نے وزیراعظم کو سوزوکی موٹرز کی ملک میں موجودہ سرمایہ کاری اور مستقبل میں سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا۔ وفد نے وزیراعظم کو سوزوکی کمپنی کے دوسرے پلانٹ کی تعمیر کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا، جس میں سالانہ 100,000 اضافی گاڑیاں تیار کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم نے آٹو موبائل کے شعبے میں سوزوکی موٹرز کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے نجی شعبے کی ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ، کاروبار کے لیے آسانی میں بہتری اور مینوفیکچرنگ کے گروتھ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے وفد کو ملک میں موجود کاروباری مواقع سے استفادے کے لیے حکومت کا تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس ضمن میں وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ سوزوکی موٹرز اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے پاکستان میں 45 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ جی بالکل جی، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہے، نئی ہے، اور یہ نئی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جو سٹینڈرڈز گاڑیوں کا ہے یہاں پر، جو اس کی قیمتیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی سوزوکی کوئی نیا برانڈ پاکستان کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کی سرمایہ کاری یہاں پر ہو چکی ہے۔ سرمایہ کاری تو کوکولا کی بھی ہو چکی ہے جی، آلریڈی اور ہے یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب اس میں فردر کیا سرمایہ کاری ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بھی کوئی وہ کراس چیک کیا جائے گا گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جس طرح کی گاڑیاں یہاں پر بنتی رہی ہیں۔ بہرحال کمی کو تو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اسٹینڈرڈس کو اور پرائس کو خاص طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے، اس کے اوپر خاص نظر ثانی کی ضرورت۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیون، دیکھتے رہے گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک چیک ودا پھر گڈ مارننگ کراچی، گڈ مارننگ پاکستان۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی کچھ خبروں کے حوالے سے، اور آج میں اور یاسر ہی جو ہے وہ تجزیہ کار بنے ہوئے تھے۔ ہماری ٹیم کی بڑی مہربانی ہے جی کہ انہوں نے جو ہے وہ آج ہمیں تجزیہ کار بنا دیا، اور ہم بولتے رہے آدھے ایک گھنٹے تک۔ اینی ویز، خیر اس وقت یہ سیگمنٹ آپ کو پتا ہے کہ جی جو ہمارے ساتھ ہر بدھ کے روز آپ کے جو امراض ہیں، آپ کے جو بھی مشکل امراض ہیں، خاص طور پہ خاص طور پہ ڈائبٹیز کی اگر بات کر لیں، اوبیسٹی کی، اور اس طرح کے جتنے دیگر امراض، اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سلمان زمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایز یوزول، آج بھی لیٹ ہیں۔ ڈاکٹر سلمان زمان السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، لیکن پلیز وقت کا خیال رکھیں، یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تاخیر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ ہفتے آپ وقت پر آئیں گے۔ سر پہلے تو K21 کے ناظرین کو میرا سلام اور دعاؤں کا طلبگار ہوں اپنے بڑوں سے۔ سیکنڈلی، ڈاکٹرز لیٹ نہ ہوں تو پھر کیسے پتا چلے گا ڈاکٹر ہیں؟ بالکل ٹائم پہ پنچوالٹی ہونا چاہیے، بٹ ٹریفک سگنلز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انشاءاللہ ہم خیال کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسکرین پر نمبر چل رہا ہے جی، گیون نمبر ہے، آپ نے بذریعہ کال پروگرام میں شامل ہونا ہے، اور ڈاکٹر سلمان زمان سے جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کی بیماری کے حوالے سے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ آج کا موضوع اوبیسٹی، یہی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ موٹاپا، اور موٹاپا جو ہے وہ ساری بیماریوں کی اگر جڑ کہا جائے، روٹ کاز کہا جائے تو غلط ہی ہے، جیسے ڈائبٹیز کو بھی کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ موٹاپا بھی ہے۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یاسر کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنا اپنا ویٹ کم کیا، ویسے موٹے نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ بہت اچھی جو فٹنس ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح کی جو فٹنس انہوں نے رکھی اور کی، آپ نے کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا خاص طور پہ۔ ویسے ہم تو بس تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں، لیکن یاسر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یاسر کیسے کر لیتے ہیں آپ، کیسے کر لیتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو بھی کریں گے کہ یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کو شدید چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اچھا لائف کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں علی مہدی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا۔ بچی ہے، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے، ساری رات نیند نہیں آتی ہے، صبح نیند آتی ہے۔ تو یہ پوچھنا تھا، اگر ہم شربت پلائیں تو آدھی ہو جائے گی کھانسی کا شربت، یا تو اس کے لیے کیا ہے؟ بچی ہے ہماری، ساری رات جاگتی رہتی ہے، صبح سوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے، اور یاسر صاحب ماشاء اللہ
मैं इसलिए बोलता हूँ कि फीस में टाइम कम होता है, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब तो उसमें आना चाहिए सेशन शो में बस। अच्छा और माशाल्लाह अली मेहदी साहब शेख रशीद साहब की बातें कर रहे थे, ये सब जो है ना इनके कॉलो फेल में, पहले इन्होंने कहा था कि अंग्रेज इनको दौलत दी गए नवाज शरीफ साहब को, तो ये सब ये इनके ऊपर यकीन न करे, और इमरान खान साहब ने जो जो कहा था देख रहे हैं, और मैं आज ये करने थी हमारे खज्जी ग्राउंड में शादी हाल था वो तक तोड़ दिया है खज्जी ग्राउंड में, जहाँ हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे महल्ले की। अली मेहदी साहब आप खुद ही बोलते हैं आधी बात आपने की आधी नहीं बताई, डॉक्टर साहब से चीजें पूछनी थी आपसे, आपसे जिस बच्ची के बारे में आप बात कर रहे हैं उससे पूछना था कि क्या वजह है, उम्र क्या है, चीजें पूछनी थी, आप वो ऐसे रैंडमली तो नहीं जवाब दे सकते कुछ भी, कि कोई पूरी रात नहीं सो रहा सुबह सो रहा है तो कुछ भी जवाब दे दे, तो उसकी डिटेल्स होती है पहले, नेक्स्ट टाइम आप जब कॉल करें तो सिर्फ अपनी ना कहें बराए मेहरबानी, हमारी सुन लिया करें, हम ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आपसे मैं यहाँ से बात कर रही थी कि फिटनेस को मेंटेन करना कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे किया ये आपने। बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल के हवाले से जिसके ऊपर अभी हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि हमें अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। अलमिया ये है कि यहीं पे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हमारे सर्दियों के दिन स्टार्ट होते ही अजीब अजीब सी रिपोर्ट्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं कि वो बाज़ार में मुर्गन खाने बन रहे होते हैं और उनको दिखाया जा रहा होता है, उनको प्रमोट किया जा रहा होता है। इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करनी है, लाइफ कॉलर है उनको शामिल, उनको भी शामिल करेंगे। डॉक्टर सलमान जमान साहब ने भी बड़ा अपने आपको फिट रखा हुआ है, उनसे भी पूछेंगे कि वो कैसे फिट रखते हैं और ओबेसिटी पे आज क्या बात होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़े से हल्के फुल्के अंदाज में थोड़ा सा ऐसे बात की जाए आपसे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और फिर आप ज़्यादा मुश्किल भी ना समझे उस चीज़ को। वेल एक कॉलर को शामिल कर लें, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब क्या कहेंगे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि आजकल एक बीमारी आई हुई है बच्चों में जो गले में मम्स से हो जाते हैं, गले में हल्की हल्की सी गुठलियाँ हो जाती है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरे घर के अंदर जो है कुछ बच्चों को हुआ, तो वो ट्यूशन पढ़ने आते थे वो तो चले गए, लेकिन उनसे ये हुआ कि एक मुइज खान हमारे भतीजे उनको हो गया, जब उनको हुआ तो वो कोई 8-10 दिन, उसमें शिकायत ये होती है कि डॉक्टर साहब के सर में दर्द होता है और अपने कहते हैं गले में कोई चीज नहीं खाई जाती और बड़ी परेशानी होती है, बच्चे को बुखार फीवर आता है जाता है, फिर उसके बाद उसको जब इलाज हुआ उसके बाद दूसरे बच्चे को हो गया 10 दिन के बाद, आखिर ये क्या वजह है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, क्या माँ को क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, आया उनको खाने में क्या देना चाहिए? जी बोले ठीक है रियाज साहब, रियाज साहब अभी बता रहे हैं आपको, और एक जो मेरे नॉलेज में मेरे ख्याल से बर्तन का खास तौर पर जिस ग्लास में पानी पिए वो अलग रखें, चमचा अलग रखें, बर्तन अलग इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी से ज्यादा जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी सलमान साहब बात ये वायरल है और आप बिल्कुल सही कह रही है, इन चीजों से फैलता है ग्लास का खास तौर पर, वायरल बीमारियां अगर फीवर आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं या एंटीबायोटिक लें, और बच्चों को मल्टीवाइटामिन्स पे रखें क्योंकि इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है, और फिर बच्चे जंक फूड भी खा रहे हैं, इधर उधर का भी खा रहे हैं, और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक ओबेसिटी की अगर बात करें तो थोड़ा सा जैसे अभी रेदा ने कहा था कि ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये भी एक प्रॉब्लम है और मेंटेन रखना ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि हम तो पहले पास्ट में बड़ी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की रूट कॉज है तो इसको किस तरह एलैबोरेट करना मैं चाहूँगा थोड़ा सा। पहले तो रजा ने हमारी हम दोनों की फिटनेस में बात की जी, और इसको कैसे मेंटेन रखते हैं मैं और यासर, इसके लिए हम लोग बड़ी ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, और जिसमें डेली जिम जाना और जैसे यासर ने बोला लाइफस्टाइल में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे उसने बताया कि जी फ्राइड चीज़ें ना खाएं, मुर्गन खाने ना खाएं, और मेरे ख्याल से हम दोनों लोग बहुत स्पेसिफिकली हम बाद में शो के बाद जब बाहर मिलते भी हैं तो डिस्कशंस करते हैं रिगार्डिंग दिस, हम लोग ये चीज़ों परहेज़ करते हैं, तो मेन वजह यही है ओबेसिटी। अच्छा देखें, ओबेसिटी मेरे लिहाज से अब एक बीमारी है जी, अगर हम देखें तो ओबेसिटी इज़ अ बीमारी इटसेल्फ, क्योंकि ओबेसिटी मोटापे से मजीद बीमारियाँ आपको सामना, जिसको जो जो मोटा है
क्योंकि फैट डिपॉजिशन इतनी है तो उसी को हार्ट अटैक होना है, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उसी को ब्लड प्रेशर नज़र आना है, उसी में डायबिटीज़ नज़र आनी है। तो ये जो बेसिक बीमारी हैं उन्हीं लोगों में ज़्यादा कॉमन होती हैं, वैसे तो और भी लोगों में होती हैं, मगर इन लोगों में ज़्यादा कॉमन या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जिनमें फ़ैट का मकदार बॉडी में ज़्यादा होता है। तो मेरे लिहाज से ये खुद बीमारी है और अब ये तो बढ़ती जा रही है और इसमें सारा पैटर्न ही हमारा कैलोरी इनटेक का है। कैलोरी इनटेक अब ये कैलोरी इनटेक ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब हम कैलोरी इनटेक को काउंट करना है, मैं तो इस वक्त तो नहीं बता सकता, इस पर एक अलग से शो करना पड़ेगा कि हाउ टू काउंट कैलोरी, क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गिन गिन के खाना तो नहीं खा सकता ना, कि जी रोटी गिन के खा रहा हूँ ऐसा, बिल्कुल बात तो सही करते हैं मगर हाउ टू काउंट कैलोरी ये एक इस पर एक अलग शो होना चाहिए। इट विल टेक अ टाइम उसको एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे पास चीज़ें भी होना चाहिए, हम इस पर बता नहीं सकते इस तरह, वर्ड भी नहीं बता सकते। यासर बता रहे थे कि मैं 800 कैलोरीज चढ़ा गया हूं या 900 कैलोरीज चढ़ा गया, इससे बात करेंगे, एक लाइव कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? वालेकुम सलाम बेटा, रुबीना अल्ताफ से बोल रही हूं, सुजानिस्तान सेक्टर 4 जी से। जी जी बेटा, वो डॉक्टर साहब से मशवरा करना था कि जिनके एक तरह से खानदान में सिलसिला चल रहा है डायबिटिक का, अच्छा, तो क्या अगर हम पहले से ही शुगर को कंट्रोल करें, यानी शुगर खाना थोड़ा सा तर्क कर दें, तो क्या फिर वो चीज़ हम लोगों में नहीं आएगी, हम बच सकते हैं उससे? ठीक है, मेरी अच्छा। एज जो है ना बेटा 64 है जी रुबीना साहब, हमारे खानदान में तकरीबन सब लोगों को अल्लाह माफ करे, जिन जिन को भी बड़ों को हुआ उनकी मौत इसी से वाकई हुई, अल्लाह खैर। और अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन न्यू जनरेशन है वो बच जाए इनसे। मैं भी अभी तक अल्लाह का शुक्र है बची हुई हूँ। जी जी, मतलब हमारे तकरीबन सारे कजन को सबको है, बात यह है कि डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट, अच्छा यही कॉमन है, यही कॉमन है, हर तीसरे घर में इनमें से कोई एक पेशेंट आपको मिलेगा। और हमारी जो बहन जो बोल रही थी शी इज राइट कि देखें इसमें गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ आम बीमारियों में। दूसरी बात यह कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, देखें वजूहात इनकी क्या है, वजूहात यही है, लाइफस्टाइल, खाना पीना, फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं, कोई सा भी आप तेल ले लें, यहाँ तक कि मैं स्पेसिफिकली चला जाता हूँ ऑलिव ऑयल भी अगर उसमें भी आप खा रहे हैं तो 1000 कैलोरीज जा रही हैं आपके अंदर। जी ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे ऑलिव ऑयल खा लूँगा, वो बेहतर है, मगर वो आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कम करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करना है, इनकी वजूहात के पीछे जाना है, उनसे बचने की कोशिश करनी है, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने शिफा देनी है और बचाना है बीमारियों से, वो तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, एडिक्शंस इसमें डिफरेंट किस्म की, स्मोकिंग और पता नहीं अब तो क्या क्या आ गया स्कूल्स में, मैं देख रहा था न्यूज़ में कोक और पता नहीं, हेरिडिटरी देखें, हेरिडिटरी तो हर चीज़ है ना, मोटापा भी हेरिडिटरी आता है, डायबिटीज़ अगर वालदेन में है तो बहुत ज़्यादा होते चांसेस बच्चों में आने के, चाहे वो इनिशियली पैदा होने के साथ आ जाएं या वो 30 ऊपर जाएंगे भी तो चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं कि आ जाए। इसी तरह कहते हैं हार्ट अटैक अगर वालदेन में तो अभी नहीं तो आगे जाके 40-50 साल, तो हम पहले हिस्ट्री में पूछते हैं कि भाई वालदेन में था या नहीं था, तो ज़रूरी नहीं जब पैदा हो रहा है जब भी नज़र आएगा, वो आगे भी जाके नज़र आ सकता है। तो जिन जो जो चीज़ें आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकती हैं, मोटापे की तरफ ले जा सकती हैं, डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकती हैं, वो सब वही हैं जो यासर ने शुरू में बात की थी। सबसे पहले लाइफस्टाइल है जिसको बेहतर करना है, आपकी एक्सरसाइज होना चाहिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज होना चाहिए, और हर आदमी की अपनी एज ग्रुप के हिसाब से होती है, अपनी एज के हिसाब से करे, 60 से ऊपर वाला है तो वॉक करे, 60 से नीचे वाला है ब्रिस्क वॉक करे, उससे नीचे वाला है जॉगिंग करे या जिम करे या कोई भी स्पोर्ट्स करे जिसका उसको शौक है। और आपने खाने पीने में फ्राइड चीज़ें और ये जो प्रोसेस फूड्स आ गए हैं आजकल, उसमें सॉल्ट का इंटेक बहुत, सॉल्ट का मकदार बहुत होता है, तो उनसे बचें, फ्रेश खाना खाएं, सब्जियों और फ्रूट्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, और पानी का इंटेक। अच्छा देखिए फैट लॉस का मेन क्या है कि एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में सुबह होने से रात शाम तक आप 4 से 5 लीटर पानी पिएं, उससे क्या होगा आपका पेट भरा रहेगा जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और आप कम खाएंगे। अच्छा लोग कहते हैं जी कम खाने से मैं वीक हो जाऊँ, तो नहीं ऐसा नहीं है, आप एक मल्टीविटामिन भी कोई भी बेहतर से जो आपको लगे आप जाके लें और अपनी कैलोरी इनटेक को कम रखें। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आजकल हर चीज़ जैसे हम अपनी बहनों और माओं की बात कर लेते हैं,
वो क्या होता है, अब हर चीज़ वो वॉशिंग मशीन आ गए तो बटन दबाया तो काम हो गया। पहले के ज़माने में ये थोड़ी होता था, फिर अब हर चीज़ आराम से बटन दबाने से हो जाती है। पहले ज़माने में तो एक, जहाँ तक मुझे याद है और जब हम छोटे थे और हम सुनते हैं और सारी चीज़ें, एक गांव से दूसरा गांव जाना होता था लोगों को, एक तो 10 किलोमीटर चल के जाते थे, 10 किलोमीटर आप यहाँ से जी दुकान में जाना तो मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जाना है, आपने ऑफिस भी जाना है तो आपने गाड़ी में जाना है, वहाँ जाके भी सीट पे बैठ जाना, पूरे दिन मीटिंग्स करनी है, चेक्स बनाने और वापस आ जाना है उसी का, और फिर आपने एक्सरसाइज घर पे आके टीवी देखना, खाना खाना, एक रिमोट होगा आपके हाथ में, लोगों की बेली निकलाती है। हाँ, आपको ये लग रहा होता है कि जी मैं तो इतना चल कर आ रहा हूँ या मैं इतना, अब मेरी तो एक्सरसाइज ऐसी होगी, नहीं नहीं ये एक्सरसाइज नहीं हुई। अच्छा, और फिर कैलरी, अच्छा ये वो लोग हैं जो कम मेहनत, मतलब मेहनत कर रहे हैं मगर कम कर रहे हैं, जो उन लोगों से जो कि प्रॉपरली एक्सरसाइज भी साथ में कर रहे हैं, तो फिर इनकी कैलरी इनटेक कितनी होना चाहिए, इनकी कैलरी इनटेक डेली की होना चाहिए 500 या 1600, जैसे हमारी बहनें कहती हैं जी अब तो हर जगह पे नौकरानी मासी आ गई हैं, तो वो पहले तो पोछा वोछा खुद लगा लेते थे, अब वो भी नहीं रहा जी, तो वो क्या रहा है फिर इस टाइप के जो जितने हमारे लोग हैं आवाम हैं उनके लिए 1500 या 1600 तक का कैलरी इनटेक होना चाहिए, इससे ज़्यादा उनको नहीं लेना चाहिए, इससे ऊपर जाएंगे तो वो फैट डिपोजिशन में जाकर। आपके लिए बहुत देर से, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? आमिर खान बात कर रहा हूँ, दीपाल बोलती जी। आमिर खान साहब कैसे हैं आप, क्या कहेंगे? शुक्र है जी, क्या कहेंगे आमिर साहब? टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन के ज़रिए बात करेंगे तो आपसे बात हो सकेगी, वरना हमें आपकी कॉल मनकता करनी पड़ेगी। चलें, तो बात यही है, मेरी बहन का जवाब यही है कि किसी भी आपको डिजीज से बचने के लिए एक तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपना खाना पीना बेहतर करें, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग लैक ऑफ स्लीप हैं, वजूहत कुछ भी हों, लेट घर आना, नींद हो नहीं पाती बिल्कुल, और अर्ली मॉर्निंग उठना होता है सबने, तो वो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप कम सोएंगे तो भी मोटापा बढ़ेगा आपके अंदर, ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल। और उसके अलावा आपकी एडिक्शन, स्ट्रेस, कुछ लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में कम खाते हैं, तो ये इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करें, ये जंक फूड प्रोसेस फूड से प्रिवेंट करें, घर पे अपने माँ बाप माँ बहनों से कहें जी वही खाना बनाएं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करें, पानी का इंटेक 4 से 5 लीटर पर ले जाएँ, रोटी का इंटेक खाएं कम करें, 4 से 5 लीटर तो पिया ही नहीं जाता लोगों से। आप यासर से पूछें कितना पीता पानी पूरे, अब ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया ना। एक्सेप्शनल केस नहीं, मैं भी नहीं पीता हूं। तो आप लोग एक्सेप्शनल केस हो गए, वैसे नॉर्मल लोगों की बताया जिनका रूटीन इतना खराब होता है वो क्या करें। यही तो चीज आपने जवाब पूछा ना, लाइफ स्टाइल तो बेहतर करना है, मतलब वही तो आपको बेहतर करना है जितना। अच्छा, मैं डायबिटीज को अगर बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 से 5 लीटर पीते, अच्छा ये मैं 60 की उम्र से कम वालों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें फिर हार्ट वीक होते हैं, उनकी पंपिंग वैल्यू वीक होती है, उनकी बात नहीं कर रहा, उनके लिए तो 10-12 गिलास ही काफ़ी हैं डेली के। 4 से 5 लीटर में कितने ग्लास बन जाते हैं? 4 से 5 में तो पता नहीं कितना बन जाते हैं, आप हिसाब लगा लें, ये तो 30 से ऊपर जाएंगे। ओह माय गॉड, तो यहाँ तो 6 ग्लास पानी पीने का टाइम नहीं होता। ये गलत है, जितना आप पानी पियेंगे, अच्छा डायबिटीज़ वालों को होगा क्या कि उसमें पेशाब ज़्यादा आएगा और आप बार बार पेशाब के लिए जाएंगे तो ग्लूकोज भी निकलेगा उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो जिनके वालदैन और जो इंतकाल कर गए डायबिटीज़ की वजह से, मैं आपको यकीन से बोल दूँ कि मेरे पास बेतहाशा डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, इन लोगों की शुगर कंट्रोल ही नहीं होती, ये लोग इलाज कर रहे होते हैं फिर भी इनके शुगर, और उससे क्या होता है पहले शुगर कंट्रोल नहीं है तो फालिज होने का खतरा, हार्ट अटैक ये लगा रहता है, आधे उसमें निकल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ट्रेंड जो हमारे यहाँ है, सबसे पहले इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ऑल यू कैन ईट ऐसा नहीं है बिल्कुल, आप सब नहीं खा सकते, खुदारा इस चीज़ को रियलाइज़ करें, पानी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, पहले तो उसको समझिए। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि सारी चीज़ें सब खा लेते हैं, फिर हमारे यहाँ कुछ प्रमोशनल कैंपेन्स में देखता हूँ ऐसी रिदर चलती हैं कि बच्चों को अगर बोरियत भगानी है तो उनको इंस्टेंट नूडल्स खिलाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, तो खुदा का वास्ता है बोरियत को दूर करने के लिए खाना ज़रूरी नहीं है। पिज्ज़ा बर्गर इजी एक्सेस में अगर हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उनको मंगवा ही लिया जाए और खा ही लिया जाए। मैं एक बात तो बताऊं, इसको सबसे पहले नहीं, हमारे मजहब में भी यार इत्तदाल का वर्ड क्यों यूज़ किया, इसलिए इसलिए। और मैं एक बात आपको ऐसे बताऊं, मैं कंपनी का नाम ले रही, लेकिन जब हम मतलब थोड़ा सा 4-5 साल पहले मैं चले जाऊँ तो हम नूडल्स खाते थे शौक से, ठीक है, बनाते थे, वो नॉर्मल से ही लगते थे। अभी मैंने रिसेंटली कोई पता नहीं, मेरे ख्याल से इस बात को भी 1 साल हो गया, लेकिन जब मंगाए नूडल्स और उसको बनाया तो जब
उसको टेस्ट किया तो वो कुछ प्लास्टिक जैसा लग रहा था, मतलब अच्छा, लग नहीं रहा था कि वो खालिस होगा या उसमें, मुझे लग रहा था कि उसमें कुछ प्लास्टिक मिलाया है, कुछ करने के लिए वैक्स उसके ऊपर लगाया जाता है। मैं इमेजिन कि इसके ऊपर वैक्स लगाया जाता है, हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसके ऊपर वैक्स। देखिए मेरे लिहाज से मेरा जहर पे काम करता है जी। अगर आप अब तो आप पता है जो पेपर जो लगे हुए होते हैं दीवारों पर बाहर आप देखें डिफरेंट, और किस चीज़ से मैदे से तो चिपकाए जाते हैं, वो आप उतार ही नहीं सकते, फट के उतरेगा जी। तो सोचें फिर बॉडी में जाके क्या करता होगा। तो मैदे का इस्तेमाल ना करें, और जिन्होंने वेट कंट्रोल करना है, मैंने पहले भी जो लास्ट मेरे प्रोग्राम में अगर होगा फेसबुक पे भी डायबिटीज़ का, उसमें जो डाइट प्लान बताया था वो तीन बड़े खाने और तीन छोटे खाने उसी का फॉलो करें जी जी। जिसमें आप रिड्यूस करें अपनी रोटी का इंटेक, जितना आप खा रहे हैं उससे कम रिड्यूस पे आएँ। दूसरा ये मल्टी वाइटामिन ऐड करें, वाटर का इंटेक बढ़ाएँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट पर आएँ, और विद इन और एक्सरसाइज मस्ट है, और एक्सरसाइज मस्ट की रोटी खाएँ। बात है उसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक कार्ब कम होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हमने कार्ब खत्म तो नहीं कर सकते, लिमिट कर सकते और उसको फॉलो करेंगे 3-4 महीने में आपको वेट कम हो जाएगा। मगर अगर नहीं हो रहा और आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम है। एक तो हेरिडिटरी हो गया माँ बाप से, एक हो गया जी एक वैसे आपने खाना खाया एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, वो डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए, तो ये डाइट वो इंक्रीज होता है और उनको लग रहा होता है सब बेचारी सब कुछ कर रही होती है, एंड में थक हार जाती हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, थायराइड का है, इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो ज़रूर अगर आपको 1-2 महीने में कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, डू गो टू आर डॉक्टर। मेरे पास बेतहाशा पेशेंट्स आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, मर्द भी आते हैं। अच्छा मेल्स में भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल, और ये उनके हम टेस्ट कराते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मगर उसका ट्रीटमेंट है। जैसे हम वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और वो डाइट प्लान एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, डक टक टक वेट नीचे आना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अगर आपका वेट नहीं हो रहा कम तो आप जाके टेस्ट कराएं। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि एक्सरसाइज प्लस डाइट प्लान के साथ अगर आप तेज़ी से वेट ड्रॉप कराना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास मेडिकेशन है जो मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं, जो कि हम देते हैं, मगर हमारा पहले कोशिश ये होती है कि हम डायग्नोस करें प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सलमान जमान, आपने इतना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर आए, और आपने जो है जो बहुत मुश्किल अमराज है ख़ासतौर पर हमारे लोगों के, उनके हवाले से उनको मशवरे भी दिए, जवाब भी दिए, और प्रॉपरली तो नहीं बता सकते क्या मेडिकेशन है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अलवासे मेडिकल सेंटर है जी, गुलशन इकबाल में ही मौजूद है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा था, आप उनको डायरेक्ट भी जो है वो कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं उनसे। वेल जाते जाते आज के वार्डरोब की बात करेंगे। आज का वार्डरोब स्पॉन्सर किया है कैशिया ने, एंड कहकशा सिद्दीकी हमारी डिज़ाइनर है, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बना के भेज रहे हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच कैशिया फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेसेस। इसके साथ प्रोग्राम का अख्ताम कल इंशाल्लाह आपके मसाइल के हवाले से, आपके जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स को भी शामिल करेंगे। आज लाइव कॉल्स जो महदूद करनी पड़ी इसके लिए माजर, कल इंशाल्लाह नए मेहमान भी होंगे, नए मौसम भी हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मोहम्मद यासर, रिदा सैफी और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।